तो बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 101 101 वर्कशीट नंबर करेंगे इंग्लिश का। एंड ये कंप्रेशन है। आज आपका एक पैसेज है जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर जो है देने हैं। सो अ रिसर्च कंडक्टेड बाय साथी। साथी कुछ है आपका SATHI, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा इसका कंसेप्ट था दैट चिल्ड्रन लिविंग ऑन प्लेटफॉर्म्स और अबेंडन्ड आर व्रेक्ड फ्रॉम होम्स। जो साथी है उसने बताया कि जो हमारे चिल्ड्रन जो कि कुछ प्लेटफॉर्म पे रहते हैं वो जो है वो घर से भागे हुए हैं। ये शुरू से गरीब नहीं थे। इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो है आर दोज दैट फ्ली फ्रॉम देयर होम्स विदाउट अ थॉट एंड कैन नॉट रिटेक्ट देयर एक्शंस। और कई सारे बच्चे गुम हो गए हैं और कई सारे बच्चे मतलब ऐसे ही गए और वो खो गए आइदर बिकॉज दे हैव नो मनी और कुछ मनी के बगैर या कुछ डरे हुए बच्चे वो आज तक घर में वापस नहीं आ पाए। वी रेस्क्यू 50 चिल्ड्रंस डेली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। साथी ने क्या कहा, इन्होंने कहा हम रोज 50 बच्चों को रेस्क्यू करते हैं इस तरह के। सम ऑफ द चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से जो है लॉस हो गए फॉर देयर डिस्पेरिटली। अंजलि जो कि एक प्रोजेक्ट ऑफिसर है साथी कंपनी में उसने बताया लाइफ ऑन द प्लेटफॉर्म इज नॉट ईजी। वो बताती है कि प्लेटफॉर्म पे लाइफ ईजी नहीं है और ये बच्चे नहीं समझ पाते और घर से फ्री होने के लिए किसी एडिक्शन की वजह से या किसी और जॉब गलत कामों की वजह से वो घर से निकाल दिए जाते हैं भाग जाते हैं या फिर गुम भी हो जाते हैं। देयर इज नो प्लेस लाइक होम फॉर अ चाइल्ड। और इस तरह के बच्चों के लिए कोई भी प्लेस नहीं बचती फिर। एंड इनको बहुत ही गालियाँ सुननी पड़ती हैं और उनको पॉवर्टी गरीबी का भी सामना करना पड़ता है। और इसके लिए एस साथी सेक्रेटरी प्रमोद कुलकर्णी ने कहा अ चाइल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म नेवर ग्रोज अप। वो कहते हैं कि जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे रह जाते हैं वो हमेशा के लिए प्लेटफॉर्म पे ही रह पाते हैं क्योंकि उनको स्टडी का मौका ही नहीं मिल पाता। अर्ली इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि ये जो है हम पूरी मेहनत कर रहे हैं बच्चों की लाइफ को सेव करने में एंड उनको घर तक पहुंचाने में, बट ये कोई इजी टास्क नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ है उन्होंने सर्च किया दैट जो प्लेटफॉर्म है कंट्री में फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। उन्होंने बताया चिल्ड्रंस बहुत रेस्क्यू किए जाते हैं जैसे कि 50 अक्रॉस। उनसे रीजन पूछे जाते हैं तो कई सारे बच्चे घर से फ्री होने इसके लिए या फिर कई अदर कारण के लिए जो है वो जाते हैं। एंड इन बच्चों को ये समझाया जाता है दैट जो लव गाइडेंस और केयर है आपके पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अपनी फैमिली के संग टाई हमेशा यानी मिलके रहना चाहिए। तो ये आपका पाई चार्ट है जिसमें दिखा है कितनी एज के कितने बच्चे भागे। तो 65% बच्चे 8 से 15 ईयर्स तक के भागे एंड 3 to 8 जो है ईयर्स ओल्ड 25% एंड 0 to 3 ईयर्स ओल्ड 10%। तो वॉट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ साथी क्या उन्होंने कंसेप्ट निकाला अबाउट द चिल्ड्रन। दे से दैट द चिल्ड्रंस लिविंग ऑन प्लेटफॉर्म्स आर अबेंडॉन्ड और आर रैक्ड फ्रॉम होम्स। तो ये आप लोग लिखेंगे। अब सेकेंड वॉट इज द ओपिनियन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ साथी। तो कौन थे, प्रमोद कुलकर्णी। उन्होंने कहा होम प्लेसमेंट इज द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज चिल्ड्रंस। कि हमारा जो मेन है ये है कि इन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया जाए कैसे भी ताकि उनकी जिंदगी सुधर सके। चिल्ड्रन हु आर रिलुकेंट टू गो बैक होम आर टेकन टू होम ओरिएंटेशन कैंप्स। जो बच्चे घर जाना चाहते हैं उनको हम होम ओरिएंटेशन कैंप ले जाते हैं और वहां से उनके घर का पता लगाते हैं। अब विच एज ग्रुप लीव देयर होम द मोस्ट। तो 8 to 15 ईयर्स ओल्ड अबाउट 1/10 ऑफ द चिल्ड्रन यानी जो 10% बच्चे हैं जो कि घर छोड़ते हैं वो किस एज के होते हैं, वो 0 to 3 ईयर्स ओल्ड होते हैं। फाइंड आउट करना है वर्ड पैसेज से जिसका मतलब है एग्जॉस्टेड, तो रैक्ट। तो इस तरह से आप लोग ये निकाल लेंगे। यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।